आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 28 नवंबर को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं और निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सभी जगह निष्पक्ष रूप से मतदान होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कल की मतदान के लिए हमारी तैयारी पूर्ण है और इस मतदान के लिए मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं 5,04,33,079 मतदाता कल वोट देने जाएंगे। 62,000 मतदाता पहले से वोट डाल चुके हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर निवास करते हैं, जो डिफेंस और विदेशी एम्बेसी में, विदेश में जो एम्बेसी में काम करते हैं, उन सबको मिलाकर कुल जो वोटर हैं वो 5,04,95,251 हैं। और इन वोटरों के लिए 65,367 मतदान केंद्र हमने बनाया। इन मतदान केंद्रों में जो 17,000 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उनमें 12,363 में माइक्रो ऑब्जर्वर लगा रहे हैं, 11,900 में केंद्रीय पुलिस बल लगा रहे हैं, 4,600 में वीडियोग्राफी करा रहे हैं, 6,500 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग है, 6,700 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी की व्यवस्था है। हम लोग 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दोपहर में 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम को 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे और आपको लाइव अपडेट्स हम देते रहेंगे कि किस विधानसभा में क्या वोटिंग परसेंटेज हुआ, क्या कोई घटना हुई, क्या सारे खबर हम आपको इसी कमरे में कल 3 बार देंगे। विधानसभा चुनाव के चलते आबकारी विभाग की टीम ने बैरागढ़ नगर निगम कॉम्प्लेक्स में छापा मारा और देसी शराब के 400 क्वार्टर्स जब्त की। शराब की कीमत हजारों रुपए में है। यह कार्यवाही राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने की। इस मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता मध्यप्रदेश भोपाल को खबर मिली थी के दौरान खबर मिली थी संदेहास्पद रूप से शराब बिक सकती है, हमारे दल ने छापा मारा कोई दो व्यक्ति खड़े थे वो बेच रहे थे और हमें देख के सामान छोड़ के भाग गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।